आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। कृषि कानून के विरोध में रीवा में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। विगत दो दिनों से धरने पर बैठे किसानों का प्रदर्शन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। रीवा के करहिया कृषि मंडी में जारी धरना प्रदर्शन में किसानों को विभिन्न सामाजिक संगठनों का समर्थन भी मिल रहा है। भारत देश के किसान आज महीने भर से ऊपर से दिल्ली में जो आंदोलन कर रहे हैं, जो भारत देश के की सरकार ने तीन किसानों के खिलाफ काले कानून लाए उसके विरोध में ये आंदोलन चल रहा है, जिसके समर्थन में हम लोग रीवा में ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति संयुक्त मोर्चा जो किसानों का है उसको सब किसानों का संगठन आपस में मिलकर ये धरना उनके समर्थन में हम चला रहे हैं। ये धरना हमारा लगातार चलता रहेगा और ये तब तक चलेगा जब तक जो सरकार काला कानून लाई है वापस नहीं लेती है, तब तक ये हमारा धरना चलेगा। और इसी कड़ी में इन्हीं के बीच में हम तमाम गांव-गांव के लोगों से गांव-गांव के किसानों से संपर्क बनाने में लगे हैं और उन तमाम किसानों को इसमें एक हमारे यहाँ रीवा का किसान एकजुट होकर एकमुश्त होकर और लड़ाई को लड़ेगा और उसको परिणाम तक पहुँचाएगा। सोमवार को किसान धरने पर पहुंचे रीवा के रेवांचल व्यापारी संघ ने भी अपना समर्थन दिया और कहा कि सरकार किसानों की मांग को जल्द से जल्द माने। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक एडवोकेट शिव सिंह ने बताया कि कृषि कानून के विरोध में किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान नेताओं ने संकल्प लिया है कि सरकार जब तक कृषि कानून को वापस नहीं लेती तो यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेताओं ने कहा कि आधा सैकड़ा से अधिक किसान अपनी शहादत दे चुके हैं लेकिन देश के मुखिया संवेदना तक व्यक्त नहीं किए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो काले कानून बनाए गए हैं, देश के किसान दिल्ली की सीमा में जमे हुए हैं, उस बिल को रद्द कराने के लिए हम लोग रीवा में भी कल से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सरकार के अड़ियल रवैये के कारण 50 किसान शहीद हो चुके हैं लेकिन सरकार व उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नहीं दिखाई गई है। यदि सरकार ये तीनों बिल वापस नहीं लेगी तो हम लोग आने वाले दिनों में आक्रामक रुख अपनाएंगे और आगामी 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालकर रीवा के SF ग्राउंड में किसान झंडा फहराएंगे। जय जवान जय किसान।